बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा की तरह हमारी न्यूज़ आपको पता है कि बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है, और पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर हम मौजूद हैं। और सुबह के टाइम में जो वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि जनाब इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएंगे, और उसके मुताबिक सबसे पहले हम रिटर्न रिज़ल्ट की बात करते हैं और इसकी डिटेल में जाते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें, थैंक यू। हाँ जी, रिटर्न रिज़ल्ट में आज पीपीएससी ने जो रिज़ल्ट आउट कर दिए हैं, इसका मतलब यहाँ से मैं पता चला, जैसे मैंने बताया था कि इस वीक के अंदर इंशाल्लाह रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो आपके सामने जनाब आज पीपीएससी ने जनाब ये पांच रिज़ल्ट आउट किए हैं। नंबर फर्स्ट पे डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट GIS स्पेशलिस्ट, लेक्चरार होम इकनॉमिक्स फीमेल, लेक्चरार सोशियोलॉजी मेल और स्टेटिस्टिकल ऑफिसर। देखें जी, लेक्चरार सोशियोलॉजी मेल का आ गया तो इसका मतलब फ़ीमेल का कल आ जाएगा। लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स तो होती फीमेल के लिए। अच्छा जी, इसी तरह जनाब बाकी जो रिज़ल्ट हैं, अब देखते हैं कि इसके मुताबिक फाइनल रिज़ल्ट की बात करते हैं। फाइनल रिज़ल्ट के अंदर जो है पीपीएससी ने आज जो रिज़ल्ट आउट किए हैं, उसके अंदर सिर्फ दो रिज़ल्ट आउट किए हैं। एक है एटम डिवेलपर इंग्लिश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और दूसरा जनाब हमारे पास है टेक्निकल इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़। तो ये भी रिज़ल्ट उन्होंने पीपीएससी ने आज आउट कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि पीपीएससी जो है अब रिज़ल्ट बाकी भी इंशाल्लाह अब रोज़ाना रिज़ल्ट आएंगे। तो जितने भी रिज़ल्ट बाकी रहते हैं, सबसे पहले वो आएंगे जो मई में हुए थे, फिर जून के पहले वीक में, उसके बाद जो इंग्लिश लेक्चरार है, एजुकेशन है, उर्दू है, इनका लास्ट वीक आप जुलाई कह सकते हैं, बट जो मेरे एक अंदाजे के मुताबिक वो अगस्त के स्टार्ट में आ जाएगा। तो इसके अलावा जो पीपीएससी के अंदर जो रिज़ल्ट आउट किए गए हैं, इसके मुताबिक अगर आप ये एक चीज़ नोट करें, तो ये जो लेक्चरार का टेस्ट क्लियर हुआ है, लेक्चरार, अच्छा जी, लेक्चरार सोशल वर्क, ओके, लेक्चरार ठीक हो गया। अच्छा जी, एक मैं चीज़ देखना चाहता हूँ कि होम इकोनॉमिक्स, देखें जी, लेक्चरार होम इकोनॉमिक्स फीमेल का जो टेस्ट हुआ था वो 8/5 को हुआ था। अच्छा जी, देखें, बड़ा लेट आया इन्होंने, बड़ा लेट पेपर दिए। चलो कोई बात नहीं है, रिज़ल्ट तो आ गया। इसके अलावा सोशियोलॉजी की बात करें, लेक्चरर सोशियोलॉजी मेल की बात करें, तो इनका जो रिज़ल्ट आउट किया गया है वो आज के गया है, और इनका पेपर 28/5 को हुआ था। इसका मतलब है, वही मैं कार बताया था सुबह के टाइम कि जो मई में हुए थे। तो ये जनाब आज की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा पीपीएससी के शेड्यूल की बात करें, तो शेड्यूल के अंदर ये वही पुराना शेड्यूल मौजूद है, और इसके अलावा पीपीएससी के अबाउट और कोई नई खबर मौजूद नहीं है जो आपको दी जाए। बाकी लोकल गवर्नमेंट एजुकेटर के बारे में मैं इंशाल्लाह तसल्ली करने के बाद फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि रेजीम चेंज हो चुका है पंजाब के अंदर, गवर्नमेंट नू लिखी जा चुकी है, अब पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाएगी, अब पता नहीं क्या बनता है। उसके बारे में हम थोड़ा सा परफेक्ट खबर देंगे जो हमारे पास मौजूद होगी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो इसका जो रिज़ल्ट आउट किए गए हैं आज की डेट में, वो जनाब डिप्टी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी आर्मेंट सप्लाई, प्रोटोकॉल ऑफिसर, न्यूरोसर्जन, लॉ ऑफिसर, दवालॉजिस्ट, तो ये रिज़ल्ट आउट किए गए। इसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग की बात की जाए, तो शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर जनाब कोई न्यू मौजूद नहीं है। पीपीएससी एफपीएससी के अंदर जनाब नया टेस्ट हो रहा है, सब इंस्पेक्टर एफआईए और असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, इन दोनों के अंदर इंग्लिश जो आएगी वो किस तरह की आएगी, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जस्ट और जस्ट 5 से 10 मिनट की, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इंशाल्लाह वो वीडियो में आज कोशिश करूंगा कि आज बना लीजिए। अच्छा जी, तो ये जनाब एक्चुअली एक बात थी कि टेक्निकल इंस्पेक्टर ऑफ जुआलॉजी में जनाब खानेवाल से शहबाज खान लोधी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, सेलेक्ट हो गया जनाब, चलो जनूबी पंजाब का बंदा है। तो ये जनाब इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी पीपीएससी के अबाउट। आप देख सकते हैं कि मैंने सुबह के टाइम जो पेशेन गोई की थी, सेम उसके मुताबिक आपको सामने जो है पीपीएससी ने रिजल्ट आउट किया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, इंशाल्लाह हम आपको नई नई खबरें जो है जैसे ही हमारे पास आएंगे हम आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।